नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अभी अमरनाथ होकर आई हूँ, तो मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि मैडम आपकी यात्रा कैसी रही, आपके वहाँ के अनुभव कैसे थे, कैसा है वहाँ पर, कैसा आपने फील किया, वो सब हमें बताइए। क्योंकि दो फैमिलीज हैं जो वहाँ सह परिवार अमरनाथ यात्रा पे जाएंगी, उन्होंने पूरी जानकारी मांगी है। बहुत सारा कुछ टाइप करके बताने में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है बताने को, तो एक मुंह से बोल के जो बताई हुई चीज़ होती है उसको लिख के बताने में ना कोई खास मजा नहीं आता मुझे। तो मैं आपको अपनी अमरनाथ यात्रा के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी, यात्रा कैसी रही, चढ़ाई कैसी रही, उतराई कैसी रही, वहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टी आई, क्योंकि वहाँ डिफिकल्टी भी बहुत आती है। एक बार को तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, आंख में आंसू लेके, भगवान भोलेनाथ ये कैसी जगह बुला लिया तूने, इस बार नहीं आऊंगी मैं, तुझे ही आना पड़ेगा इस बार, इतनी मुसीबतों वाली जगह मैं नहीं आने वाली हूँ कभी भी, और ना ही मैं अपने बच्चों को भेजूंगी, अब के तू आएगा घर पे। तो ये सारी शिकायतें करते हुए भगवान भोलेनाथ के सामने जब मैं जाकर खड़ी हुई, और जैसे ही बाबा बर्फानी के दर्शन हुए, भावुक हो गया मन, बहुत धन्यवाद दिया कि बाबा आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, आपने दर्शन दिए, आपका आशीर्वाद हमेशा ही मुझ पर बना रहे। जितने भी भक्तगण आए हैं, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर आप सबको बहुत सुख और आनंद दे। तो बहुत बहुत मुश्किल रास्ते थे, डेड बॉडीज हमने खुद देखी, क्या हालात बने थे कि वो डेड बॉडीज थी, घोड़े मरे पड़े थे, क्या हुआ था, बहुत कुछ, ऑक्सीजन की कमी हुई, हमारे आने के जस्ट एक दिन बाद बादल फटा, और क्या क्या और परेशानियां होती हैं, क्या क्या सुखद अनुभव होते हैं, सुखद भी बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, बीच बीच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत दिल करता है कि बस यही बस जाए, इतनी खूबसूरत जगह है, कहीं कहीं इतना ज़्यादा डरावना, इतना ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा। वो वाली जो जगह होती थी, बस उसमें किसी तरह शिव 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 करके निकलती थी मैं, इतना जाप मैंने पूरी उम्र नहीं किया जितना मैंने रास्ते भर में किया, जब चढ़ रहे थे और जब वहाँ से उतर रहे थे। तो आज मैं आपको जो सबसे पहला एक्सपीरियंस बताऊंगी, वो है जो आपके भी बड़े काम की चीज़ है, वो है कि रूट कौन सा लेना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पे जाने के लिए दो रूट पड़ते हैं, एक रूट पड़ता है बालटाल की तरफ से, जो बालटाल वाला रूट है वो है 14 किलोमीटर का, बिल्कुल बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, और बस चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ। अगर वो सूखा है मौसम वहां पे, तो एक तो ठंडक होगी, ऊपर से धूल होगी, घोड़ों की जो वहां पे रीत पड़ी होती है वो सूख सूख के उस धूल में मिक्स हुई रहती है, तो इन जो भक्तगण है उनके पैरों से भी धूल उड़ती है, घोड़ों के पैरों से धूल उड़ती है, वो सब उड़ उड़ के बड़ी सफोकेशन टाइप की फील होती है, और बीच बीच में ऑक्सीजन कम हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा तेज चले तो सांस फूल के एकदम सर में दर्द बन जाता है, ऑक्सीजन की कमी से सर में दर्द होना वहाँ बहुत आम बात है। उसके बाद जैसे ही सर में दर्द बने, 2 मिनट के लिए साइड में बैठ जाओ, साइड में बैठ जाए तो जाके सर के दर्द में आराम मिल जाता है। कई बार वहां पे साइड में कुछ होता ही नहीं, बस इधर खड़ा पहाड़ है, इधर नीचे खाई है, और बस पतला 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 रास्ता है, उस रास्ते पे आपको बैठने की जगह नहीं होती। अगर आप बैठ गए तो वहां पे जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं उन सबका रास्ता रुक जाएगा। तो 14 किलोमीटर की जो ये चढ़ाई है, बहुत सारे भक्तगण जो बहुत फुर्तीले होते हैं, हल्के फुल्के शरीर के होते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे स्टार्ट करते हैं और तेजी से कदम रखते 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 वो पहुंच जाते हैं ऊपर पवित्र गुफा के पास, वहां अपना दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद सेम डे ही वो रात होते होते नीचे वापस उतर आते हैं। ये है फुर्तीले लोगों की बात,
जो थोड़े सुस्त हैं, जिनको शारीरिक थोड़े कष्ट होते हैं, उनको चढ़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, वो रात को वहां पे स्टे करते हैं। और जब से अभी रिसेंट में ही बादल फटा है, तो बादल फटने के बाद से ऊपर का जो स्टे है वो बंद कर दिया गया है। आपको हर हाल में नीचे आना ही पड़ेगा और बीच में कहीं भी रुकने का कोई स्थान नहीं है। ये मैं आपको बालटाल के रास्ते की बात बता रही हूँ। और एक और समस्या आती है, जब इस बालटाल वाले रास्ते से हम चढ़ाई या उतराई करते हैं, तो अगर बारिश वाला मौसम है, बारिश पड़ गई है या बारिश होके रुकी है, तो वहां पे कीचड़ मच जाता है। पक्की सड़कें नहीं है, जैसे वैष्णो देवी के रास्ते पे बनी हुई है, केदारनाथ के रास्ते पे मैंने सुना है बनी हुई है। केदारनाथ में कभी गई नहीं हूँ, लेकिन आप वैष्णो देवी के रास्ते को इमेजिन कर सकते हैं, वहां पक्की सड़कें बना दी गई हैं। वहां पे कोई पक्की सड़क बनी नहीं सकती, कभी भी पहाड़ गिर जाते हैं। तो अगर यहाँ पे अभी सड़क बनाई है, पता चला पूरा ही पहाड़ वहां पे स्लाइड होके नीचे आ गया है, तो फिर वहीं से ही रास्ते बन जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये यात्रा भी मुश्किल से 1.5-2 महीने चलती है, तो वहां पे बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए सड़कें वगैरह बनाना। इसके बावजूद भी हमारे जो फौजी भाई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे पग पग पे हमारी मदद करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तो अगर बारिश हो गई है, तो इस रास्ते पे इतना भयंकर कीचड़ मचता है, बिल्कुल खड़ी एकदम चढ़ाई या उतराई समझ लो, उस पे पथरीला रास्ता और साथ में कीचड़। कई बार तो क्या होता है, जूता अपना कीचड़ में धस गया और जब हमने वापस खींचा तो जूता वहीं रह गया और पैर बाहर आ गया। इतनी बड़ी समस्या होती है कई बार। और इसी रास्ते में कीचड़ भरा रास्ता है, कई बार बहुत नैरो रास्ता है, और उसी पे ही पालकी वाले भी हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं और घोड़े वाले भी हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं। बड़ा कंजस्टेड हो जाता है कहीं कहीं रास्ता, लेकिन किसी तरह सेना की मदद से जो भक्तगण हैं वो चढ़ भी जाते हैं और उतर भी जाते हैं। बड़ा खतरा है इस रास्ते पे, इस ही रास्ते पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है। हमारे सामने ही इस रास्ते पे रात के समय लैंडस्लाइड हुई थी और 4 घंटे हमें एक ही जगह पे रुकना पड़ा, क्योंकि वहीं पे एक घोड़े की मृत्यु हो गई थी और एक महिला बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। तो पता नहीं वो महिला बाद में बची कि नहीं बची। तो इस तरह से ये जो रास्ता है ये बहुत ही खतरनाक है। हालांकि एक ही दिन में जो श्रद्धालु है वो ऊपर जाके दर्शन करके भोलेनाथ के, वो नीचे वापस बेस कैंप में आ सकते हैं बालटाल में। अब बात करते हैं पहलगाम की। पहलगाम का जो रास्ता है वहां चढ़ाई स्टार्ट होती है चंदनबाड़ी से। चंदनबाड़ी में पहला बेस कैंप है, वहीं पे ही लोग रात को स्टे करते हैं दिन भर के ट्रेवलिंग के बाद, और सुबह 5 बजे वहां से एंट्री स्टार्ट होती है चंदनबाड़ी से। ये जो रास्ता है चंदनबाड़ी से लेके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने तक, पवित्र गुफा तक का 32 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें रास्ते में 2 बेस कैंप पड़ते हैं। और अगर नॉर्मल स्पीड से इंसान चलता है तो 3 दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने में लग जाते हैं। इसीलिए 2 बेस कैंप बनाए हैं। रात को चंदनवाड़ी में रुके, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाती है चढ़ाई, और पिस्सू टॉप आगे और भी सारी कई सारी पहाड़ियां हैं। पिस्सू टॉप से स्टार्ट होता है, सबसे कठिन चढ़ाई वाला टॉप है। इसके बाद गणेश टॉपी है, और भी खतरनाक और भयानक चढ़ाई वाला है ये। तो इस रास्ते से तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक दिन में चढ़ पाए। हाँ, अगर आपने घोड़ा किया हुआ है या हेलीकॉप्टर की सेवा ली हुई है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो यात्रियों को अगर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन का वेदर है, बारिश नहीं आ रही है या कोई और समस्या नहीं हुआ है, तो 3 दिन में बाबा भोलेनाथ के सामने खड़े हो जाते हैं जाकर। 2 बेस कैंप है, एक शेषनाग में है और एक पंचतरणी में। शेषनाग में भी विश्राम करना पड़ता है। सुबह 5 बजे से निकले हुए चंदनबाड़ी से शेषनाग पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, और फिर सुबह यात्रा जब करते हैं स्टार्ट, फिर 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बहुत ही ज्यादा फुर्तीले लोग हैं तो वो शाम होते होते
आगे तक पहुंच जाते हैं गुफा तक, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पंचतरणी में जो बेस कैंप है वहां स्टे कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते भी दिन ढल जाता है, तो दिन ढलने के बाद आगे यात्रा ना ही करी जाए तो ज्यादा अच्छा है। हर तरफ अंधेरा रहता है और बहुत मुश्किल होते हैं, टॉर्च के सहारे आपको इतनी खतरनाक चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो पंचतरणी में एक और बेस कैंप है जहाँ पहुंचते पहुंचते हमें भी रात के घर पहुंच गए थे और हम लोगों ने वही रात को स्टे किया। नेक्स्ट डे हमने पंचतरणी से यात्रा स्टार्ट की और संगम और दूर लाइटें दिख रही है, 2 किलोमीटर 12:30 बजे के आसपास पहुंचना है। रात को नाइट स्टे हुआ पंचतरणी में, उस बर्फीली नदी में अगर किसी का मन है तो उसी में नहाए। यहाँ गुफा पे आ चुके हैं और ये नदी है, यहाँ पे लोग स्नान करके पवित्र होके नए कपड़े पहन के ऊपर गुफा में जाते हैं। तो बहुत लोगों की हिम्मत नहीं होती ठंडे पानी में नहाने की, बड़ा चिल्ड पानी होता है, तो वो गर्म पानी की सेवा लेते हैं। ये भाई हैं जो गर्म पानी देते हैं, कितने रुपए की बाल्टी है गर्म पानी की? 50 रुपए गर्म। बात पैसों की नहीं है, बात ये है कि वीडियो हमारा अभी दिखाती हूँ, आपकी वीडियो अभी दिखाती हूँ। तो मैं तो ठंडे पानी में स्नान किया है और एक भाई हैं अपने अवधेश, उन्होंने भी ठंडे पानी में स्नान किया है। अभी जाएंगे बाबा की गुफा पे, दर्शन करेंगे, दर्शन करके वापस आ जाइए। अब जो पहलगाम वाला रास्ता है और बालटाल वाला रास्ता है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? जो पहलगाम वाला रास्ता है निहायत ही खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, कभी बहुत हरे भरे पहाड़ आएंगे, पेड़ नहीं है लेकिन छोटे 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 घास उगी हुए हैं, उन्हीं से वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। छोटे 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 फूल खिले हुए हैं रास्ते रास्ते भर में और झरने हैं बहुत सारे, बहुत सारी नदियां हैं। चपड़ पहाड़ चढ़ना उतरना, इतने खूबसूरत नज़ारे, इतने खूबसूरत नज़ारे, बे इंतहा खूबसूरत नज़ारे होते हैं। बस वो चलने का टारगेट रहता है कि चलो चलो चलो, इस करके थकान हो जाती है। कई जगह ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है तो इसलिए धीरे धीरे ही चलना पड़ता है, बहुत तेज इंसान वहाँ चल भी नहीं सकते। बेहद खूबसूरत पहलगाम का रास्ता है। तो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन था तो बालटाल से जाने का भी और आने का भी, लेकिन बाद में जो हमारे सहयात्री थे उनके साथ को लेने के लिए, क्योंकि उनमें से कई सारे भाई पहले भी 4 बार जा चुके थे, वो 5वीं बार जा रहे थे, तो हमने सोचा कि ये अनुभवी हैं, इनके साथ होना ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो जाने का पहलगाम से चेंज कराया और पहलगाम के रास्ते से हम ऊपर चढ़े और बालटाल के रास्ते से नीचे उतरे। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि पहलगाम का रास्ता बहुत खूबसूरत है, जीवन भर आपको याद रहने वाला है, आप हमेशा याद करेंगे फोटोज और वीडियोस देख के कि आप इतनी खूबसूरत जगह पे होकर आए हैं। बालटाल का रास्ता थोड़ा मुश्किल है और खूबसूरती के लिहाज से वो थोड़ा कम है, बस वहाँ डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो लोग बार 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 जाते हैं वो सोचते हैं कि एक ही दिन में चढ़ के उतर आए, तो ये उन लोगों के लिए जो पहली बार जा रहे हैं, वो मेरी सलाह है कि पहलगाम के रास्ते से आना या जाना जरूर करें। तो ऐसा कर सकते हैं जैसे हमने किया कि पहलगाम के रास्ते से चढ़ाई की और बालटाल के रास्ते से नीचे उतरे। ये जानकारी आपके बहुत काम की रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हर हर महादेव का नाम लिख देना, भोलेनाथ आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे, और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। आगे की जो यात्रा है बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे खतरे सारे मजे सब मैं आपको बताने वाली हूँ, 3-4 एपिसोड में ये खत्म हो जाएगा। तो ये जानकारी बहुत काम की रहेगी आपकी। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।